अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको शिक्षा बस्ता मुस्कुराते रखे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम सहरी से। सहरी में मैंने बना लिए थे 3 आलू के पराठे, 2 पराठे तो नॉर्मल साइज़ के थे और एक थोड़ा सा छोटा पराठा था जो कि मेरा था। मैं काफ़ी दिनों से सहरी में ओट्स ही ले रही थी, ओवरनाइट सोक जो ओट्स होते हैं, फिर मैंने कहा क्या थोड़ा सा चेंज करते हैं। वैसे तो मुझे ओट्स खा के भी पूरा दिन भूख वगैरह लगती है, भूख तो खैर मुझे कभी भी नहीं लगती है, बस हाँ थोड़ा बहुत होता है कि प्यास लगना शुरू हो जाती है क्योंकि नींद की कमी होती है और पूरा दिन ऑफिस में भी काम करना होता है, फिर घर बच्चे, तो खैर बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मौसम इस बार अच्छा है पहले की नस्बत, तो बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक पराठा मैंने डाल दिया था बनने के लिए और मैं सहरी में तकरीबन 4-10 पे जागती हूँ और मेरे पास सिर्फ 40 मिनट्स होते हैं जिसमें मैंने सहरी बना के सबको खिलानी भी होती है क्योंकि हम सिर्फ 3 लोग हैं, तो इतना ज़्यादा लंबा छोड़ा एहतमाम नहीं करना होता है, बस थोड़ा बहुत करना होता है तो इससे मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सहरी बन के रेडी हो चुकी है, 2 पराठे यहाँ पर एक भाई को मैंने सर्व कर दिया था, साथ में लस्सी है और दही है, बस इतनी सी होती है हमारी सहरी। तो आज शाम को हमारे घर में अफ्तारी है, अफ्तारी पे आएंगे हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं मक्का से एंड जद्दा से, तो मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बना लूँगी ब्रेड कॉर्न्स का मिक्सचर बना रही हूँ मैं यहाँ पे, उसकी जो फिलिंग करेंगे मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया, उसमें गार्लिक एंड ऑनियन डाल लिया है, लाइक ऑनियन जैसे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा तो उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है, उसको थोड़ी सी देर सॉटे कर लेना, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी बोनलेस चिकन ऐड कर लेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें नहीं बनानी थी, मुझे ये था कि जो आइटम्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा रख लूँगी बट क्वांटिटी कम क्योंकि रमज़ान में खाया भी नहीं जाता और सिर्फ 3 लोग आ रहे थे, तो टोटल 6 लोग हैं हम और इतनी ज़्यादा चीज़ें जब बच जाती है ना तो लेफ्ट ओवर का समझ भी नहीं आता, नेक्स्ट डे तो फिर भी नई चीज़ें बननी होती हैं, तो इसलिए मैं कम चीज़ें ही बना रही थी। यहाँ पे देखिए मैंने चिकन का जैसे कलर चेंज हुआ तो उसमें ग्रीन चिली जो है थोड़ी सी एक काट के ऐड करी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने इसमें और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड किया और बाकी इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे कलर के लिए और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जो कूटा हुआ धनिया होता है वो ऐड कर दिया था मैंने। अब इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बहुत ही सिंपल एंड यम्मी सी हमारी ये फिलिंग बन के रेडी होगी। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आपने वो भी ऐड कर देनी है। चिकन के जो साइज़ रखा है मैंने बोटी का वो छोटा सा रखा था, आप देख सकते हैं बहुत ही लाइक हाफ इंच का टुकड़ा जैसे कहते हैं ना उतना उतना साइज़ है, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग जो ब्रेड में करनी है तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फिलिंग करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और साथ में उतनी अच्छी लुक नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने ना चॉप की हुई कैरेट्स ऐड कर दिए, हाफ कैरेट ऐड की और हाफ ही जो है कैप्सिकम शिमला मिर्च ऐड की। यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस ले लिए थे मैंने, इसके किनारे मैंने काट लिए, इसको मैंने ऐसे बेलन से फ्लैट कर लिया था, बेल लिया था सारे ब्रेड के पीसेस को। यहाँ पे मैं सब 6 पीसेस बनाए थे और मैं आपको सब 4 बना के दिखा दूँगी, फिर इनको हम कर लेंगे बेक। तो यहाँ पे इसके जो किनारे मैंने वेट कर लिए थे, थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने लगाना है और आप ट्राई करें कि आपके पास जो ब्रेड हो फ्रेश हो ताकि इसकी नीटनेस भी अच्छे से, और क्योंकि जो थोड़ी सी पुरानी ब्रेड होगी 1-2 दिन पहले की वो टूट जाएगी। सॉरी बैकग्राउंड पे इस वक्त शोर हो रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉर्न्स बनाए थे, बहुत ही सिंपली ईजिली कॉर्न बन जाती है अगर आपकी जो ब्रेड है वो फ्रेश हो तो। तो कॉर्न्स मैंने बना ली थी, मैं एक कॉर्न आपके सामने फिल करके आपको दिखा रही थी, मैंने स्पून ली थी और उसके साथ जो सी है ये इसकी फिलिंग अच्छे से कर ली थी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मिक्सचर जाता है, आप चाहें तो इसके ऊपर भी ऐसी चीज़ अलग से डाल सकती है, मैंने यहाँ पे ना मिक्स कर दी थी इसी मिक्सचर के अंदर। तो बस ये हमारी कॉर्न्स बन के रेडी हो चुकी है, इनको मैंने एग वॉश के लिए था थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि मुझे एग की स्मेल इतनी पसंद नहीं है, इस वजह से इनको बेक कर लेंगे हम। नेक्स्ट मैंने कहा कि अब चना चाट की तैयारी कर लेते हैं, वो चीज़ें जो बेक होती हैं वो पहले कर लेते हैं हम और साथ में जो चीज़ें फ्रिज में हम रख सकते हैं वो मैं पहले बना लेती हूँ, साथ साथ एक अकेला बंदा कितना कर सकता है, तो मैं जितना ईजी हो रहा था कर रही थी। यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल्स ऐड कर लिए मैंने, आपको जो भी पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, धनिया पुदीना और साथ में प्याज है, टमाटर है, गाजर है, खीरा है और बॉयल चने थे मैंने रखे हुए थे तकरीबन 1 कप के करीब, वो ऐड किए, बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा मैं क्वांटिटी चीज़ों की नहीं बना रही थी। साथ में 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड कर दी थी खट्टी मीठी जो इमली की हमारी चटनी है वो, और साथ में 1 टीस्पून के करीब मैंने ऐड कर दी थी इसमें चाट मसाला, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप ज़्यादा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। और बस ये हमारी चना चाट यम्मी सी रेडी हो चुकी थी, मैंने इसमें कुछ भी पापड़ी वगैरह एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था क्योंकि दही भले भी बनने थे उसमें दही होना था, तो इसलिए मैंने इसे एज अ सैलड रख लिया था क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ ऐसे ही अच्छा लगता है। दही भले जो उनसे मेरे पास बने हुए हैं ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पर दही फेर लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था 1 पिंच के करीब, वो साथ में 1 टीस्पून शुगर, मुझे ज़्यादा शुगर अच्छी नहीं लगती है और किसी को भी खैर अच्छी नहीं लगती, हमारे घर में इस वजह से हम शुगर को थोड़ा कम यूज़ करते हैं, खट्टी मीठी चटनी में भी शुगर होती है
तो सबसे पहले मैंने जो है भले इन्हें पानी में भिगो लिया था, नीम गर्म पानी में, क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए थे। तब थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो मैंने इस ट्रे में इसे सेट करके रख दिया। ऊपर हम फेटा हुआ दही ऐड कर लेंगे। इस तरह से थोड़ी बहुत लम्स इसमें रह गए थे क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं इसको अच्छे से फेंट लेती, बट फिर भी यह है कि बाद में सब मिक्स हो जाता है तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। दही यहाँ पे काफ़ी थिक होता है, उसमें मैंने मिल्क ऐड करके इसको थोड़ा सा पतला कर लिया था। इस तरह से ये होता है कि जो भले हैं ना वो सारा का सारा दही नहीं चूसते, मतलब ड्राई ड्राई नहीं रहते हैं, स्टिल बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी रहती है उनकी। इसके ऊपर मैंने तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब 4-5 छिड़क लिया, ये 2 टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने ऐड करी यहाँ पे कैबेज, अगर आप चाहें तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, खीरे भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने चना चाट बनाई थी उसमें ये सारी चीज़ें डाली थी तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको सिंपल रखा था। बस प्याज डाला था और कैबेज बारीक काट के वो डाल दी थी। और इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी खट्टी मीठी चटनी भी, आपको जितनी क्वांटिटी में पसंद हो आप डालें। मेरी जो चटनी है वो थोड़ी सी थिक है और मैंने बस ऐसे जार में रखी हुई है, इसलिए मैंने उसे स्क्वीज़ करके ऐसे डाल नहीं सकती तो स्पून से डाल लेती हूँ। नेक्स्ट हम बनाएंगे जी शवरमा पॉकेट्स। उसके लिए मैं डो बना रही हूँ यहाँ पे पीटा ब्रेड के लिए। तो सबसे पहले मैंने 1 कप जो है वो मैदा ले लिया है, उसमें ऐड कर लिया 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद हम ईस्ट वाला जो हमारा मिक्सचर डाल लेंगे। मैंने तकरीबन 1 कप वाटर ही लिया था, उसमें ऐड की थी 1 टेबल स्पून करीब के करीब ईस्ट, और उसको मैंने नीम गर्म पानी में रख दिया था प्रूफ होने के लिए। तो ये देखें यहाँ पे जो ईस्ट है वो प्रूफ हो चुकी है और ऊपर आ चुका था इस फोमी सा टेक्स्चर जो होता है वो, तो इसलिए हम इसे अच्छे से इसकी डो बना लेते हैं। आप जितनी अच्छी डो बनाएंगे ना आपकी जो पीटा ब्रेड होगी ना उतनी ही अच्छी बनेगी। इसमें शुगर भी ऐड करनी है 1/2 टीस्पून के करीब, और 1/2 टीस्पून के करीब ही सॉल्ट भी ऐड करना है। मैंने ईस्ट वाले पानी में ही ऐड कर लिया था इसलिए यहाँ पर आपको शो नहीं हुआ। यहाँ पर हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको मैं राइज होने के लिए साइड पर रख दूँगी, तब तक हम इसका जो फिलिंग है उसकी तैयारी कर लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसमें ऐड कर लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट जो 1 टीस्पून के करीब है, क्योंकि चिकन जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, इस वजह से चिकन तकरीबन 300-400 ग्राम्स में ऐड करूँगी, वो भी बोनलेस चिकन लूँगी मैं। यहाँ पर हमने जिंजर गार्लिक को सॉटे कर लिया है, आप चाहें तो बेशक ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे काफ़ी जल्दी थी तो मैंने बस ऑनियन वगैरह ऐड नहीं किया था। मैंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं स्प्रिंग ऑनियंस ऐड कर लूँगी, वैसे फिलिंग में कुछ खास ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसकी जो चिकन का साइज़ है वो भी मैंने छोटा छोटा ही रखा था। इसे मैं ऐड करूँगी तंदूरी मसाला, आपके पास तिक्का मसाला है तो वो यूज़ कर ले, नहीं है तो भी इट्स ओके। मुझे थोड़ी जल्दी थी, मैंने इसमें बाकी के स्पाइसेस लाइक नमक मिर्च है वो थोड़े से कम ऐड करने थे, इस वजह से मैंने कहा चलिए तंदूरी मसाला ही ऐड कर लेते हैं। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून के करीब था, क्योंकि चिकन की क्वान्टिटी मेरे पास कम थी इसलिए इतना मसाला इनफ था। अगर आपके पास ज़्यादा चिकन है तो आप थोड़े से इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं, जीरा और धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, फिर यह कि मसाले बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर ली थी जो मेरे पास थी, ग्रीन चिलीज भी ऐड की थी, और साथ में थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, थोड़ी सी चेडर चीज़ ऐड कर दी थी, और इस फिलिंग को अच्छा सा रेडी कर लिया था। आप चाहें तो इसको सेपरेटली भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। आपको पता है कि रमज़ान में जब दावत वगैरह होती है तो हमें बहुत जल्दी होती है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जितने भी ये एपिटाइजर्स होते हैं सारे बन के हम रेडी कर लें, ताकि फिर बाद में जल्दी जल्दी में कोई मैस ना हो। यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने मेयोनीज़ लेके उसमें 1 टीस्पून के करीब विनेगर ऐड किया है। साथ में ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून के करीब केचप। यहाँ बना रहे हैं जी हॉट सॉस, या आप कह सकते हैं शवरमा सॉस। तो इसमें फिर इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस। बच्चों ने भी खाना होता है तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैंने नहीं बनाया था। अगर आपके घर में बच्चों ने नहीं खाना या बच्चे स्पाइसेस खा लेते हैं तो आप बेशक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें हमारा अच्छा सा जो है सॉस बन के रेडी हो चुका है। रो हमारी देखें राइस हो चुकी है, तो अब मैं इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। एक बड़ा सा हम इसका बना लेंगे पेड़ा, और इसको फिर हम बेल लेंगे, इसको बेल लेंगे। और फिर अगर आपके पास कटर है तो कटर यूज़ कीजिएगा, मेरे पास कटर नहीं था तो मैंने एक लिड ले ली थी 1 बॉटल की, क्योंकि मैं बेकिंग नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर एक लिड ले लिया मैंने, आप ग्लास या कप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ की जो है छोटी छोटी सी वो रोटियाँ बनानी है। अगर आप इसे बड़ा भी चाहें तो बना सकते हैं, इससे बड़ी लीड ले लीजिएगा। तो बस इसमें छोटे छोटे से ना इस तरह से रोटियाँ काट लूँगी, छोटे छोटे से पीसेज इसके, ताकि हम अपनी मिनी शवरमा जो है वो बना सकें। मिनी शवरमा पॉकेट्स भी आप इनको कह सकते हैं, काफ़ी अपीलिंग लगते हैं देखने में भी और खाने में भी बहुत डिलीशियस होता है। और आपको पता है रमज़ान में यही करना चाहिए कि छोटी छोटी सी चीज़ें बनानी चाहिए, क्योंकि हर कोई हर चीज़ नहीं खा सकता, फिर फूड वेस्ट भी होता है और फिर आपकी हसरत ही रह जाती है कि मेहमानों ने ये नहीं चखा वो नहीं चखा।
इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी कम रखी थी, आप थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस रखिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखें जो हमारी पीटा ब्रेड है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं दोनों साइडों में। बस एक एक मिनट के लिए आपने इसको पकाना और फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि इस ब्रेड ने फूलना, और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, लाइक रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, तब आपने करनी है इसमें फिलिंग। यहाँ पे इसको मैंने सेंटर से काट लिया था और फिर इसमें मैंने सॉस लगाने के बाद ऐड कर दी थी जो हमारी फिलिंग बनी है। देखें कितना अपीलिंग और मज़े का लग रहा है। तो ये है जी इनका फाइनल लुक, बहुत ही यम्मी सी बनी कि आप भी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और रेडी हो जाते हैं। फिर हम चलते हैं मेन कोर्स की तरफ। मैंने बनानी थी बिरयानी खाने में, क्योंकि रोटी तो हमारे घर में रोटी हम लोग नॉर्मली नहीं खाते हैं, ना ही मैंने पूरे रमज़ान में, अब 11 रमज़ान हो चुके हैं 12, तो कोई ऐसी डिश नहीं बनाई थी, बट मेहमानों के लिए मैंने कहा कि चलें बिरयानी बना लेते हैं। साथ में यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ सूप भी। सूप तो हमारे घर में डेली बनता है, इस वजह से हम लोग जो है वो रोटी और सालन ये सब नहीं बनाते, क्योंकि सूप में सारी न्यूट्रिशंस मिल जाती हैं, प्रोटीन भी और कार्ब्स भी। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया 1.5 किलो के करीब, और मोस्टली मैंने थाई पीसेज और लेग पीसेज यूज़ किए थे, और बाकी की जो विंग्स और बाकी चिकन के पीसेज होते हैं ना, ब्रेस्ट पीसेज, वो मैंने सूप में ऐड कर दिए थे। तो इस तरह से दोनों रेसिपीज़ हमारी साथ में बननी थी। सूप की रेसिपी रेडी मैं अपने पहले इफ्तारी की जो प्रिपरेशन है उसमें शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है बिरयानी मसाला, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट ऐड कर लिया है, हल्दी पाउडर ऐड कर लिया, और बिरयानी की रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, चूँकि आज मैंने फिल्म कर ली तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती जाती हूँ। मसाला जो है मैं कभी नेशनल का यूज़ करती हूँ, कभी शान का मसाला यूज़ कर लेती हूँ, और वो मसाला भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पीस लूँ, क्योंकि मेरे घर में जो साबुत मसाले होते हैं ना, लाइक दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, पेपर कॉर्न्स, वो सब अच्छी नहीं लगती किसी को भी, तो फिर वो सब निकालना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते, इसलिए मैं हमेशा इसको पीस लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ, तो फिर मसाला मुँह में भी नहीं आता और उसकी जो टेस्ट होता है वो भी आपकी बिरयानी में अरोमा जो होता है वो आ जाता है। यहाँ पे 2 ग्रीन चिलीज और 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैंने ग्राइंड करके या चॉप करके या ब्लेंड करके डाल लिया था, और जैसे ही उस टमाटरों का पानी ड्राई हो गया तो मैंने दही डाल दिया था तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब या 1/2 कप के करीब, क्योंकि बिरयानी की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा नहीं है, 1.5 kg चिकन है ये, और जस्ट 1 kg राइस में बनाऊँगी। तो कौरमा हमारा रेडी हो गया था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्याज, आलू और पालक के पकौड़े, बहुत ही यम्मी से बनते हैं। बस ये 3 वेजिटेबल्स मैंने सेम क्वान्टिटी में ले ली थी, साथ में रेड चिली पाउडर डाला है, भुना कुटा जो ज़ीरा होता है वो, और साथ में ही कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। अगर आप साबुत डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मेरे घर में साबुत मसाले पसंद नहीं किए जाते इसलिए मैं जो कुटा हुआ है वही यूज़ करती हूँ। साथ में थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और डाल दिया था मैंने, और पिसा हुआ जो धनिया होता है बिल्कुल पाउडर वो भी। यहाँ पर हम बिरयानी के लिए राइस जो बॉयल करने लगे उसमें देखिए मैं सब 2 तेज़पात, 1 बादियान का फूल और 1 दालचीनी ही डाली थी, और 1 इलायची। सूप हमारा बनकर रेडी हो चुका था, पकौड़ों का मिक्सचर भी रेडी हो चुका था, फ्राइंग का प्रोसेस में स्टार्ट करने लगी थी, मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ। ये रही हमारी फ्रूट चाट, ये जी बिरयानी, इसको मैं दम लगाने लगी हूँ, अभी दम पे आ चुकी है हमारी बिरयानी। उसी तरह मैं फ्राइंग करी थी जल्दी जल्दी के जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जो चकोरिया और मीडियम हीट पे फ्राई हो रही है, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए सबसे पहले मैं इनकी फ्राइंग कर रही थी। यहाँ पे हमारे जो पकौड़े हैं वो भी रेडी हो चुके थे, और जो मैंने कॉर्न्स बनाई थी ब्रेड कॉर्न्स वो भी रेडी हो चुकी हैं। ये हैं जी पिज़्ज़ा पॉकेट्स, हमारा सूप, हमारे दही भले, फ्रूट चाट और सूप, और ये है जी फाइनल लुक हमारी इफ्तारी का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह हाफिज़।